हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी को, ठीक है ना। अभी अगर मैं क्लोज्ड सिस्टम के लिए बात करूं तो मैंने बताया था कि जो एनर्जी का इंटरेक्शन है, मतलब जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो दो तरह से हो सकता है। या तो वो होगा आपका हीट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, और या तो वो होगा वर्क के फॉर्म में, मतलब या तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होगा वो वर्क ट्रांसफ़र के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ये हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र क्या होते हैं। जब भी एनर्जी का, मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है किसी सिस्टम का उसकी सराउंडिंग के साथ, या फिर किसी एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ अगर एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसको हम लोग हीट बोलते हैं। क्या? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अगर एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग हीट ट्रांसफ़र। और इसके अलावा अगर किसी भी वजह से आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क ट्रांसफ़र, ठीक है। तो अदर देन हीट ट्रांसफ़र, जो भी एनर्जी इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क ट्रांसफ़र इन द केस ऑफ क्लोज द सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं, ये जो वर्क का ट्रांसफर कई वजह से हो सकता है। वर्क का ट्रांसफर हो सकता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द बाउंड्री, ठीक है ना। हो सकता है आपका शाफ्ट के मोमेंट की वजह से, रोटेटिंग शाफ्ट की वजह से, या फिर किसी सिस्टम को अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर क्रॉस कर रहा है तो उसकी वजह से। तो कई टाइप के वर्क हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क में हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका PDV वर्क और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क और इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन फ्लो वर्क या तो बाउंड्री वर्क और इसी को या तो बोल देते हैं क्लोज्ड सिस्टम वर्क। तो कई सारी चीज़ें होंगी, सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, होता है क्या है, देखते हैं। जब भी कभी हम लोगों ने बात करी होगी पहले, हम लोग जो मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो हम देखते थे कि वर्क क्या होता है। अगर कोई फोर्स एफ लग रहा है और उस फोर्स एफ फोर्स की वजह से एक्स डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क हो जाता था एफ इंटू एक्स, ठीक है ना। ये एक्चुअली अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये होता है आपका एफ डॉट एक्स होता है, ठीक है ना। तब ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये एफ डॉट एक्स होता है, ठीक है ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब एफ एक्स लिखते हैं तो मैं बोलता हूँ ये हो गया आपका फोर्स, ये तो हो गया आपका फोर्स, और एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक्स क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका एक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं, ये कब होता है जब मैं कह रहा हूँ एफ इंटू एक्स लिख रहा हूँ अगर मैं वर्क को, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, और उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एक्स है, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और तब हम बोल देते हैं एफ डॉट डी एक्स या एफ इंटू डी एक्स लिख देते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये डिफरेंशियल वर्क हो जाएगा, जो क्या है यहाँ पे, ये एफ है जो एक्स के साथ, एक्स का फंक्शन होगा, मतलब एक्स के साथ क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। तो इस टाइम पे आपको रिलेशन पता होना चाहिए एफ और एक्स में, तभी आप क्या कर पाओगे, टोटल वर्क निकाल पाओगे किसी स्टेट 1 to 2 के बीच में, ठीक है। और तब आपको ये मिलेगा क्या, टोटल वर्क डब्ल्यू मिल जाएगा, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, मतलब इन छोटे छोटे डिफरेंशियल वर्क्स को, मतलब ये जो डिफरेंशियल वर्क थे छोटे छोटे डिफरेंशियल वर्क्स थे इनको क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, या इनको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं 1 to 2। तो हम लोगों को जो मिलता है वो मिलता है क्या, टोटल वर्क मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग वर्क को प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं पीडी वर्क की जो हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, लेट्स से एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है,
एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसका इनिशियली मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर पी है और पी वन है और वॉल्यूम वी वन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब भी प्रेशर पी वन है या वॉल्यूम वी वन है तो यहाँ पे अगर मैं इसी की बात करता हूँ, ये डिफरेंशियल वर्क डब्ल्यू के लिए लिखता हूँ, ये क्या था एफ इंटू डी एक्स, तो आपका जो फोर्स होगा किसी भी पॉइंट पे फोर्स जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, क्या होगा प्रेशर इंटू एरिया। और एरिया क्या होगा, अगर यहाँ पे ये पिस्टन मूव कर रहा है, इस पिस्टन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। तो ये जो आपका डिफरेंशियल वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटू ए इंटू डी एक्स। और यहाँ पे ये जो एरिया पिस्टन का एरिया ए बोला है मैंने, और अगर मैं कह रहा हूँ कि पिस्टन जो मूवमेंट हुआ है पिस्टन का कितना हुआ है, एक्स का, डी एक्स का मूवमेंट हुआ है, लेट्स से कि पिस्टन जब आपका सॉरी अगर पिस्टन आपका डी एक्स से मूव करता है, कितना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ मैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ डी एक्स, तो जब आपका पिस्टन डी एक्स से मूव करता है तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू अगर डी एक्स लिखूँ तो ये आपको दे देगा डी वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम दे देगा, जो किसकी वजह से, पी प्रेशर की वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम आया तो वो क्या आ जाएगा, पी डी वी, पी डी वी। तो ये जो डिफरेंशियल वर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी डी वी आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कई बार पी डी वी वर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ये सिस्टम कंसीडर करूँ तो इस सिस्टम के लिए इसकी जो बाउंड्री है ये बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है ना, ये बाउंड्री हो जाएगी, और इसके अंदर जो भी गैस है वो आपका क्या है, सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के लिए आप देखोगे कि इसकी जो ये वाली जो बाउंड्री का पार्ट है, ये जो पार्ट है बाउंड्री का, ये मूव नहीं कर रहा है, ये क्या है, फिक्स रहेगा, केवल ये जो बाउंड्री का पार्ट है वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि बाउंड्री के मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट की वजह से वर्क ट्रांसफर होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट की वजह से वर्क ट्रांसफर हो रहा है वो डिफरेंशियल वर्क कितना आ गया, पी डी वी आ गया। और अगर मैं कहूँ कि इनिशियल स्टेट इसके लिए वन थी और पिस्टन फाइनली यहाँ तक पहुँच जाता है, पिस्टन फाइनली यहाँ टू पोजिशन पर पहुँच जाता है, ठीक है, तो इस पूरे में जो भी वर्क हुआ होगा वन टू टू पहुँचने में, उसे अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इन सारे डिफरेंशियल वर्क्स को, ये जो क्या होगा, स्मॉल स्मॉल डी वी के लिए निकल के आएंगे, स्मॉल स्मॉल डी वी चेंज के लिए निकल के आएंगे, उन सारे के सारे डिफरेंशियल वर्क्स को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, वन टू टू। तो ये हम लोगों को टोटल वर्क पी इंटू पी डी वी इंटीग्रेशन वन टू टू मिल जाएगा, ठीक है, पी इंटीग्रेशन वन टू टू मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा पी डी वी वर्क या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है, जो पी डी वी वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन वन टू टू पी डी वी, ठीक है, पी डी वी। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो वर्क है दो ही कंडीशन में निकल के आएगा, कब वो दो कंडीशन क्या होंगी, वो टू कंडीशन जिनमें ये वर्क आपका निकल के आएगा वो क्या होगा, अगर कोई, पहला तो हो जाएगा आपका अगर बाउंड्री एक्सपेंड कर रही है, मतलब अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो आपका वर्क क्या होगा, निकल के आएगा, क्या होना चाहिए, सॉरी इस तरह से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वर्क जीरो कब हो सकता है, इस तरह से समझते हैं, जीरो कब हो सकता है, तो जीरो कब होगा, अगर मैं कह दूँ कि वॉल्यूम में जो चेंज है डेल्टा वी वो जीरो है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अगर जो सिस्टम है उसकी जो बाउंड्री है, कोई रिजिड वेसल अगर मैं ले लूँ, कोई रिजिड वेसल ले लूँ जिसकी बाउंड्री क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, मान लो कुछ इस तरह का वेसल है जो क्या है, ये एक रिजिड वेसल है जिसकी क्या है, बाउंड्रीज क्या है, फिक्स है, अगर इसकी बाउंड्रीज फिक्स हैं तो इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसका उस टाइम पे मैं कहता हूँ कि क्या हो जाएगा, वर्क जो ट्रांसफर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, अगर कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, अगर ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, मैं कभी कह रहा हूँ कि अगर कभी एक्सपेंशन हो रहा है किसी गैस का, अगेंस्ट द वैक्यूम हो रहा है, अगेंस्ट द वैक्यूम हो रहा है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है उसको, अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रही है, और अगर कोई दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा उसे, अगर फोर्स जीरो होगा तो अगर वॉल्यूम चेंज हो भी रहा है तब भी आपका वर्क जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगेन आपका क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये तो दो कंडीशन हो गई जहाँ पे आपका वर्क जीरो हो सकता है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि अगर मेरा वर्क, मेरा जो वर्क है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वर्क है, वो क्या आया, पी डी वी वन टू टू, ये आपका आया। ये कब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये केवल हम लोग तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें क्या बताओ, पी और वी में कोई रिलेशन पता होना चाहिए, पी और वी में हमें क्या होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, स्टेट वन में जब था वहाँ से लेके स्टेट टू तक, मतलब एंड स्टेट्स भी पता होना चाहिए, और उसके बीच में भी
क्या हो रहा है पी और वी के बीच में, हमें प्रॉपर रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं इसको बाउंड्री वर्क को या डिस्प्लेसमेंट वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशन हो सकता है पी और वी के बीच में, वो हम लोगों को कैसे पता हो सकता है, दो तरह से पता हो सकता है। आइदर हमें किसी इक्वेशन के फॉर्म में, पता होगा, और या तो मुझे क्या होगा ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। जब भी ग्राफ गिवन होगा या तो इक्वेशन पता होगी, तो अगर इक्वेशन पता होगी तो इस इक्वेशन को पी को हम वी के फॉर्म में लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, और जब भी हमें ग्राफ पता होगा तो हम क्या करेंगे, अगर लेट से ये पी है और ये वी है, और अगर मुझे ग्राफ पता है इन दोनों के बीच का 1 to 2 जो भी स्टेट थी, जो भी प्रोसेस हुई है 1 to 2 उसके बीच में, अगर मुझे इन दोनों के बीच का ग्राफ पता है, तो पी डी बी क्या हो जाएगा, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे किसी पी के लिए जो डी बी चेंज होगा डिफरेंशियल वर्क हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिफरेंशियल वर्क, ये हो जाएगा आपका डी बी, ये हो जाएगा आपका पी डी बी डिफरेंशियल वर्क हो जाएगा। और ये सारे छोटे छोटे पी डी बीज को हम लोग क्या कर देंगे, ये सारे सारे छोटे छोटे पी डी बीज को हम लोग क्या कर देंगे, 1 to 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 to 2 क्या कर देंगे, इन सारे स्मॉल 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 पी डी वी डिफरेंशियल वर्क्स को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने का मैथमेटिकल तरीका होता है क्या, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस एरिया को कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्ट, एरिया अंडर द कर्व 1 to 2। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको क्या दे देगा, टोटल वर्क दे देगा, टोटल वर्क आपका पी डी वर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में, चाहे वो इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं और चाहे मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पी और वी में एक रिलेशन पता है जो आपको हर इंटरमीडिएट पॉइंट पे प्रेशर बता रहा है और वॉल्यूम बता रहा है। ये कब होगा किसी भी सिस्टम के लिए, अगर आपको उसकी हर स्टेट पे अगर आपको सारी स्टेट्स पता है, मतलब किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, तो वो कब पता होती हैं, वो केवल तब पता होती हैं जब आपका सिस्टम हर इंटरमीडिएट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होता है। और इक्विलिब्रियम में किस प्रोसेस के लिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपका सिस्टम क्वासी इक्विलिब्रियम में है, किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, वो अगर क्वासी इक्विलिब्रियम में है, या जो प्रोसेस है अगर वो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के लिए आपको क्या होता है, हर इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे आपको क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ की ये जो वर्क होगा वो नॉन डिसिपेटिव वर्क होगा। मतलब नॉन डिसिपेटिव वर्क का क्या मतलब हुआ, मतलब अगर किसी पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन को 1 पोजीशन से 2 पोजीशन जाने में कोई W1 वर्क करना पड़ता है, ठीक है, तो अगर ये सिस्टम को हम सेकेंड पोजीशन से अगेन फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे, तो ये क्या करेगा, और करने में इसको W2 वर्क करना पड़ रहा है, तो हम लोग अगर इस पीडीवी वर्क की बात करेंगे, तो ये जो पीडीवी वर्क होगा वो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क है आइडियल कंडीशन में बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है, नॉन डिसिपेटिव होता है, किसी भी तरह का आपका लॉस नहीं हुआ है। तो जितना वर्क आपने 1 to 2 पहुँचने में किया होगा, उतना ही 2 to 1 में होगा, ठीक है ना। इसको इसी वजह से हम लोग इसको और क्या बोल देते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग आइडियल कंडीशन में बोल रहे होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि ये कैसा है, कैसा हो जाएगा आपका, नॉन डिसिपेटिव अंडर आइडियल कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं कह देता हूँ ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन डिसिपेटिव वर्क और रिवर्सिबल बोल देता हूँ मैं, ठीक है। अभी रिवर्सिबल की बात हम लोग करेंगे जब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं वर्क को लेके, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी हम लोग वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका जो भी सिस्टम है सारी की सारी इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे आपका हमेशा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जब भी हम लोग पीडीवी वर्क निकालेंगे, ऑलवेज एक क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस अज्यूम करेंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में, ठीक है ना। अब वर्क को लेके थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को देखते हैं। वर्क को लेके अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, इस पीडीवी वर्क के लिए अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, या वर्क को लेके अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, सिंपली नॉट फॉर पीडीवी, फॉर वर्क के लिए अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करता हूं, तो जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा आपका, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जब भी आप पीडीवी वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको एक बात और पता चल रही होगी क्या, कि ये जो वर्क है, ये जो पीडीवी वर्क है, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। कैसे, अगर ये 1 to 2 इस पाथ को लेके गया तो कुछ एरिया निकल के आएगा, कुछ एरिया निकल के आएगा, वो कितना होगा वो एरिया, लेट्स से वो एरिया ये है, ठीक है ना, वो एरिया ये है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि वो किसी डिफरेंट पाथ को लेके 1 से 2 पहुँचता है, 1 से 2 पहुंचता है, तो अब जो एरिया आपको कैलकुलेट करना होगा वो कितना होगा, वो इसके, ये 1 to 3 बोल रहा हूँ मैं, तो ये जो 1 to 3 एरिया होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और ये दोनों एरिया क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब पीडीवी वर्क जो होगा वो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट निकल के आने वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्क होता है, जो वर्क होता है, जो वर्क होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, और इसको वो, और हम लोग क्या बोल देते हैं, ये क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है ना। जबकि हम लोग प्रॉपर्टीज़ की जब बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि वो पॉइंट फंक्शन होती हैं, क्या उनकी जो डिफरेंशियल्स होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसी 1 to 2 प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूँ, इसी 1 to 2 प्रोसेस के लिए बात करूं डीवी की, वॉल्यूम चेंज की, तो ये जो वॉल्यूम चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, V2 - V1 होगा, क्या होगा, V2 - V1 होगा। और ये अगर मैं कह रहा हूँ V1 है, ये V2 है, तो ये V2 - V1 होगा। अब अगर आप इस पॉइंट पे, इस 2 पॉइंट पे लेट्स से किसी भी प्रोसेस से पहुँचेंगे, किसी भी पाथ से पहुँचेंगे, ये इस पाथ पे क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, V2 - V1 ऑलवेज सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ को क्या बोल देते हैं, हम लोग वर्क तो हमारा क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया, प्रॉपर्टीज़ को मैंने बोला था, क्या ये आपकी क्या होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं, या फिर क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, वर्क के बारे में, पीडीवी वर्क के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने साइन कन्वेंशन भी देखा, ठीक है, साइन कन्वेंशन में कह रहा हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, तो ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसको और समझना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो वर्क होता है वो क्या है, पीडीवी है, पीडीवी है, पी आपका क्या है, एब्सल्यूट प्रेशर है, एब्सल्यूट प्रेशर होता है। और अगर ये प्रेशर आपका क्या, प्रेशर, ये जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अगर डीवी की वैल्यू नेगेटिव है तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा, और अगर डीवी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वर्क वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी एक्सपेंशन होगा, जब भी एक्सपेंशन होगा तो वर्क पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है ना। और जब भी क्या होगा, कंप्रेशन होगा, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव कब होगा, जब कंप्रेशन हो रहा होगा, तो आपका वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की पीडीवी वर्क के बारे में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि आपका ये जो भी वर्क होगा वो क्या होगा, क्वासी इक्विलिब्रियम या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है ना। ये वर्क की वैल्यू तभी निकल के आएगी जब आपको क्या होगा, क्या होगा, किसी वॉल्यूम में कोई चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, या तो आपका जो दो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये तो आपका पीडीवी वर्क हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीडीवी वर्क पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, ठीक है ना, इस मैकेनिकल वर्क पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देंगे, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।